हेलो दोस्तों, मैं हूं तरुण छांडीले और स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों ये सामने खड़ी है अपनी जो हैरियर XT प्लस ब्लैक एडिशन, और आज हम फ्रेंड लोग है ना अमृतसर जा रहे हैं। एक्चुअली एक फ्रेंड का पेपर है, एग्ज़ाम है, तो सोचा कि एग्ज़ाम हो जाएगा और घूमने का घूमना हो जाएगा, तो ब्लैक एडिशन में जाएंगे। अभी ये रिलायंस के पेट्रोल पंप पे हमने इस गाड़ी की टैंक को फुल करवा लिया और अभी गाड़ी का PUC वगैरह बनवा रहे हैं। तो चलिए मैं आपको एक बार दोस्तों से मिला देता हूँ। ये हैं अपने मनदीप भाई, क्या है भाई? हेलो। तो इनका एग्ज़ाम है और गाड़ी इनकी है। और ये हैं अपने अतुल भाई, क्या हाल है? तो अतुल और साथ में अपने कपिल भाई और अपने नरेंद्र भाई, प्यार से नंदू बोलते हैं इनको। तो हम सारे दोस्त मिलके अपना मस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे। मेरे को बोली बोलते, बोली बोली, अच्छा भाई को बोली बोलते हैं। भाई मैं तो पहली बार बोल रहा हूँ बोली तेरे को। तो इस गाड़ी के अंदर पहली बार जा रहे हैं और मस्ती करेंगे। रास्ते में जो भी होगा मैं आपको व्लॉगिंग रास्ते में मैं आपको दिखाता रहूँगा। और दोस्तों मेरी पहली व्लॉगिंग है, तो कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो आप प्लीज़ अंडरस्टैंड कीजिएगा और कमेंट्स में आप मेरे को बताइएगा कुछ भी अगर आपको सजेशन देने हैं और व्लॉगिंग आपको कैसी लगी उसके बारे में। तो अगर ये व्लॉगिंग लंबी हुई तो आपके मैं इसके व्लॉगिंग के मैं दो पार्ट लेके आऊँगा। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं, PUC गाड़ी का कटवा रहे हैं। तो बाकी आगे आपसे फिर रास्ते में मिलता हूँ मैं, कैसे क्या रहता है सफ़र, कैसा कटेगा, कितनी मस्ती करेंगे, कहाँ कहाँ रुकेंगे, कहाँ कहाँ खाएँ पियेंगे, जो भी है वो मतलब मैं सारा आपके साथ में टाइम टू टाइम है शेयर करता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं रास्ते पे। तो दोस्तों सफ़र हमने शुरू कर दिया। हमारा जो रूट रहेगा वो सिरसा, बठिंडा और फिर अमृतसर। तो रास्ते में काफ़ी सारे शहर आएंगे, मेन मैंने आपको बता दिया कि वो रूट रहता है। और अपने अतुल भाई गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, धन्यवाद। और गाड़ी हमारी चल रही है, कितने पे चल रही है भाई? 100 पे, 120 पे चल रही है, 100 पे चल रही है। तो काफ़ी आराम से सफ़र हो रहा है और अपना पीछे सब मज़े में बैठे हैं। सब आएगा, चिंता मत करो भाई। तो अभी हमने ये लालड़ी टोल था ना मंदीप, लालड़ी टोल हमने अभी क्रॉस कर लिया है और अभी तक सफ़र हमारा स्टार्ट हुआ है। तो आगे फर्दर जो भी होगा मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। चलिए मिलते हैं आगे। तो दोस्तों अभी हम बठिंडा पहुंच चुके हैं और गाड़ी हमारी चल चुकी है 157 किलोमीटर, 2:26 हो चुके हैं। तो अभी रास्ते में देखते हैं कुछ खाने के लिए, KFC वगैरह ढूंढ रहे हैं। भाई मिला भाई KFC? मिला भाई, 2 किलोमीटर दूर है, 2 किलोमीटर दूर। ये रोबो मोड में आ गया भाई। चलिए KFC ढूंढ के उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं वहाँ पे क्या लेना है क्या नहीं लेना है। तो दोस्तों अभी हम बठिंडा में हैं और सबसे पहले मेरे पंजाब के भरावों नूं सत श्री अकाल। और अभी हम BB रोड है शायद ये, तो यहाँ पे हम KFC में कुछ खाने के लिए रुके हैं और भाई ने ऑर्डर दे दिया है। तो अभी देखिए 15-20 मिनट कह रहे हैं कि वो लगेंगे, तो उसके बाद अपना ऑर्डर पिक करके और हम चलते हैं फिर अपने आगे के सफ़र पे। रास्ते में जो कुछ भी होगा फिर मैं आपको आगे अपडेट देता रहूँगा। तो अभी 3 बजने के आसपास हैं और काफ़ी देर होगी हमें चले हुए। तो लास्ट मैंने जब आपको पेट्रोल पंप से मैंने आपको अपडेट दिया था, उसके बाद फिर मैं रास्ते में एक तो मैंने आपको क्लिप आपके साथ शेयर की और अभी यहीं पर आके हम रुके हैं रास्ते में और कहीं नहीं रुके। तो चलिए ऑर्डर कलेक्ट करते हैं थोड़ी देर में, उसके बाद चलते हैं आगे। तो दोस्तों अभी 3:39 हो चुके हैं और अभी हम फरीदकोट की तरफ जा रहे हैं और गाड़ी के अंदर मैं आपको कंफर्ट का लेवल दिखाना चाहूँ। तो देखो बैग वगैरह सब आगे आ गए हैं और भाइयों ने देखो क्या किया है,
क्या बात है, पीछे वाली सीट को लिटा के पार्सल ट्रे को देखो यहाँ पे फिक्स कर दिया, और ये पूरा मतलब पूरा सिटिंग कंफर्ट। अब बैठ के यहाँ पे ताश खेलो, गप्पे मारो, कुछ भी करो। तो गाड़ी अभी रुकी हुई है इसी एडजस्टमेंट के लिए, और दोस्तों ऐसे ही मस्ती करते हुए जाएंगे। तो गाड़ी मैं चला रहा हूँ और भाई पीछे मस्ती कर रहे हैं। तीनों के तीनों पिछली सीट को लिटा के और लंब लेट हो गए हैं तीनों के तीनों। देखो कोई नहीं, तो ये मस्ती हो रही है भाई यहाँ पे। और भाई गाड़ी चलाने का काम मिला हुआ है, गाड़ी चला रहे हैं, भाई साथ में बैठा है, तो ले भाई ले। तो चलिए अभी आगे फरीदकोट और फिर उसके बाद अपना अमृतसर, शाम होते तक पहुंच जाएंगे, रात हो जाएगी एक्चुअली, उसके बाद फिर देखते हैं कहाँ पे क्या स्टे करना है। अभी स्टे का भी कोई जुगाड़ नहीं किया है हमने। तो दोस्तों अभी शाम के 6:30 बजे हैं और हम अभी जस्ट पहुंचे हैं अमृतसर। ये देखिए, ये शायद गोल्डन टेंपल का एरिया है, मैं पहली बार आया हूं तो मेरे को कुछ खास आइडिया नहीं है। और यहां पे हम स्टे करेंगे, तो अभी दोस्त लोग जो हैं वो अंदर चेक इन के लिए गए हैं, तो काफ़ी अच्छा मतलब फील हो रहा है, कोई ऐसी कोई थकान वगैरह से कुछ नहीं हुई। रास्ते में बस बठिंडा रुके थे, उसके बाद नॉन स्टॉप आए हैं यहाँ पे, बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल आराम से 90 की स्पीड पे। और यहाँ पे अभी देखते हैं कि रूम मिल रहा है नहीं मिल रहा, तो दोस्त पता करने गए हैं, अगर मिला तो यहीं पे स्टे करेंगे। बाकी आप एक बार व्यू देख लीजिए, बहुत ही शानदार व्यू आ रहा है। तो कल एग्ज़ाम जो है, फ्रेंड का एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद हम फिर गोल्डन टेंपल में जाएंगे, घूमेंगे, तो उसका भी मैं आप लोगों को अगर अंदर पॉसिबल हुआ, अगर परमिशन मिली, अगर वीडियोग्राफी वगैरह वहाँ पर पॉसिबल हुई, तो मैं आपको उसका भी मैं आपको एक व्लॉगिंग मैं दे दूँगा। तो दोस्तों हमने होटल में चेक इन कर लिया एक्चुअली, जहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था वहाँ पे रूम अवेलेबल थे नहीं, तो हमने दूसरा होटल चेक इन किया है, होटल अभी इन। और देखिए काफ़ी साफ़ सुथरा सा मतलब रूम है, और हम 5 लोग हैं तो आराम से एडजस्ट हो जाएंगे, रात को सोना ही है, और सब कुछ सही है, बैग वगैरह हमने सब रख दिए हैं। अभी थोड़ी देर बाद फिर फ्रेश हो गए, थोड़ा सा बाहर घूमने जाएँगे।